जीवन में साहस और आत्मविश्वास से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम और संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर विषम परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नहीं हटे। जीवन में सफलता का भी यही असूल है। यदि आपको जीवन में तरक्की चाहिए तो खुद पर आत्मविश्वास रखें। बहुत से सफल लोग अपनी सफलता का श्रेय अपनी स्वयं की समझ और अपने आत्मविश्वास को देते हैं, लेकिन बहुत से लोग वास्तव में यह नहीं समझाते हैं कि आत्मविश्वास कैसे बनाया जाए या आत्मविश्वासी कैसे बने। यह मुश्किल है क्योंकि आत्मविश्वास अलग अलग चीजों पर निर्धारित होता है। आपका आत्मविश्वास ही आपको विकल्पों, उपलब्धियों, जुनून, खुशी और गर्व महसूस कराती है कि आप कौन हैं। इन चीजों की खोज करना आपके जीवन की सबसे सार्थक गतिविधियों में से एक है। अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए जानिए। 1. काम के लिए लक्ष्य बनाए। किसी भी उपलब्धि की पहली सीढ़ी विश्वास पर निर्भर है। जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तब आप अपने बारे में बहुत बेहतर महसूस करेंगे। छोटे लक्ष्य से ही आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। यह आपके दिन प्रतिदिन के लक्ष्यों से शुरू होता है। आपको आज क्या पूरा करने की आवश्यकता है और इस सप्ताह के लिए आपका क्या प्लान है। यदि आप हर दिन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो संभावना है कि आप साप्ताहिक और मासिक लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। इसी तरह आप अपने लक्ष्य के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक योजनाएं बनाएं। ध्यान रखें कि प्रगति वृद्धिशील है और बड़े परिवर्तन रातों रात नहीं होते हैं। आप ऐसा महसूस करने जा रहे हैं कि आप एक बड़ी परियोजना ले सकते हैं और एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए आगे बढ़ें। 2. प्रगति पर निगरानी रखें। अपने लक्ष्यों को बड़ा करने के लिए उन्हें छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें। अपने कम की प्रगति की निगरानी करें। यदि आप पदोन्नत की कोशिश कर रहे हों, एक बेहतर नौकरी प्राप्त करना चाहते हों, ग्रेजुएट स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हों या करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको अपने काम की प्रगति पर निगरानी रखनी चाहिए। यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रगति कर रहे हैं या नहीं। अपनी उपलब्धियों को आंकने की कोशिश करें। वास्तविक समय में आप जो प्रगति कर रहे हैं उसे देखकर आप में आत्मविश्वास पैदा होगा। 3. सही काम करें। अधिकांश आत्मविश्वासी लोग एक मूल्य प्रणाली द्वारा जीते हैं और अपने निर्णय उस मूल्य प्रणाली के आधार पर लेते हैं, भले ही यह कठिन हो। आपके कार्य और आपके निर्णय आपके चरित्र को परिभाषित करते हैं। अपने आप से पूछें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं और आपको क्या करना है। हर किसी के पास ताकत और प्रतिभा होती है। आपकी क्या है यह पहचानना कि आप किस चीज में अच्छे हैं और उन चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करने से आपको अपनी क्षमताओं में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। 4. व्यायाम करें। वर्टिकल बार डू एक्सरसाइज। सामान्य रूप से आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने के अलावा व्यायाम करने से स्मरण शक्ति बनाए रखने में मदद मिलती है, फोकस में सुधार होता है, तनाव का प्रबंधन करने में मदद मिलती है और अवसाद से बचाव होता है। चिंता करने से ऊर्जा नष्ट होती है, इसलिए व्यायाम आपके जीवन के हर पहलू में सुधार करता है। 5. निडर रहें। वर्टिकल बार बी फियरलेस। असफल होना आपका दुश्मन नहीं है, यह असफलता का डर है जो वास्तव में आपको पंगु बना देता है। यदि आप बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और बड़े सपने देखते हैं तो आप अभिभूत महसूस करेंगे। जब भी विषम समय आए उस समय आपको अपने अंदर देखना होता है और अपने साहस के हर औंस को इकट्ठा करना होता है और बस चलते रहना होता है। कई बार एक बेतहाशा सफल व्यक्ति भी डरा हुआ होता है क्योंकि जोखिम का खतरा लगातार बना रहता है। इसलिए इस बारे में सोचें कि आप अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त करना चाहते हैं, फिर अपने डर को एक तरफ रख दें और एक आगे बढ़ते रहें। 6. अपने लिए स्टैंड लें। वर्टिकल बार टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। जब आपका लक्ष्य अपने प्रारंभिक चरण में होता है और कोई कहता है कि आपका लक्ष्य मूर्खतापूर्ण है तो उन पर विश्वास ना करें। तार्किक रूप से सोचें कि क्या मेरा यह निर्णय सही है। अपने दिमाग के सारे संदेह को दूर करें। खुद को विश्वास दिलाएं कि आप अपने लक्ष्य में विश्वास करते हैं। आप खुद पर विश्वास करते हैं, इसलिए आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। 7. स्वयं पर विश्वास करें। वर्टिकल बार बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं यह तो संभव नहीं है। इस बात को मन में न बैठने दें और स्वयं पर विश्वास करें कि मैं यह कर सकता हूं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप कहते हैं कि आप कुछ करने जा रहे हैं और आप उसे करते हैं तो आप स्वयं का सम्मान करेंगे और स्वयं पर विश्वास करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कार्य से डरते नहीं हैं।
कार्य आपके शब्दों को अर्थ देता है और यह आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने, अपने रिश्तों को मजबूत करने और आप जो हैं उस पर गर्व महसूस करने का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेगा।